इमामा पर सियासी रार। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। नेमावर हत्याकांड मामले में जिस तरह से मुख्य आरोपी सहित कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पांच लोगों की, एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या, और हत्या करने के बाद उन्हें गड्ढे में दफना दिया गया, लगातार खोजबीन हुई और अंततः पुलिस के गिरफ्त में लगभग सभी आरोपी अब हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो गर्मा गई है। लगातार इसको लेकर वहां पर आंदोलन किया जा रहा है। पहले जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया, विरोध किया गया, और आज पीसीसी चीफ कमलनाथ नेमावर पहुंच रहे हैं। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गिद्ध राजनीति खराब, लाश देखकर राजनीति कर रही है कांग्रेस, जीवित लोगों के पास कोरोना काल में जाते तो बेहतर होता, ये भी कहा जा रहा है। आज इसी से जुड़े मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले क्या कुछ कहना है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का, पहले हम वो आपको सुनवाई देते हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो गिद्ध राजनीति है ना, ये खराब है। लाश देखते ही मडराने लगना जो कांग्रेस की संस्कृति है, मैं मानता हूं कि ये अच्छी संस्कृति नहीं है। कभी जीवित लोगों के बीच भी जाते हैं अस्पतालों में कोरोना के काल में, तो शायद अच्छा लगता, पर ये जा नहीं सकते हैं क्योंकि तो इनकी राजनीति मौतों पर ही मड़राने की है। इसे मैं गिद्ध संस्कृति मानता हूं। और जो दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई हो रही है। फास्ट ट्रैक में उनके खिलाफ मुकदमे चलाए जाएंगे। जो दोषी हैं उनकी अचल संपत्ति को जमींदोज कर दिया गया है। फिर किस बात के लिए आप नेमावर जा रहे हैं? क्या केवल राजनीति करने के लिए? अरे, यदि कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को इतनी ही फिक्र है तो फिर वो उन लोगों के पास भी जाएं जिन पर कांग्रेस के नेताओं ने लगातार अत्याचार किए हैं। उन 15 महीनों में जिनके घर उजाड़े हैं कांग्रेस के नेताओं ने, उनके घर भी जाएं। ये केवल नेतागिरी करने से काम नहीं चलेगा। तो आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों का मैं परिचय कराता हूं। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार के विधायक शंकरलाल तिवारी साहब। शंकरलाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है कांग्रेस के नेता प्रवक्ता राकेश सिंह यादव जी। राकेश जी, आपका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी हालांकि स्क्रीन पर नहीं हैं, जैसे ही वो आते हैं उनसे भी चर्चा हम शुरू करेंगे। खिलावन जी का भी मैं स्वागत करता हूँ। सीधे मैं राकेश सिंह यादव जी आपके पास ही आता हूँ। जिस तरह से आज पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नेमावर पहुँच रहे हैं, अगर पूरे मामले की बात करें तो निश्चित तौर पर काफ़ी संवेदनशील मसला है। एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या हो जाती है, वजह उसकी सामने है कि किस तरह से प्रेम प्रसंग के चलते ये सारी चीज़ें हुई हैं। आरोपियों को मुख्य आरोपी सहित कई आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सवाल इस बात को लेकर है कि जब सरकार कह रही है कि हम फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाएंगे,
कार्रवाई शुरू हो गई है, जमीन दोज कर दिया गया उसकी ज़मीन को जो अवैध थी। अब कांग्रेस की क्या मांग है और आज नेमावर जब पीसीसी चीफ पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ एजेंडा है इसको लेकर? देखिए वो साफ एजेंडा है जी, जो परिवार पिछले डेढ़ माह से लगभग 47 दिन से लापता था और उसके जो अपराधी अभी गिरफ्तार हुए हैं, ये पूर्व में भी पुलिस ने 2-4 दिन बाद गिरफ्तार किया। वहां के विधायक आशीष शर्मा ने थाने पे फोन करके उन अपराधियों को एक बार नहीं कम से कम 4 बार छुड़ाया। अब किसी मामले में अगर जब राजनीतिक संरक्षण होता है और इतने खुले रूप में होता है, यहाँ तक कि आरएसएस का विजय ताम्रकर थाने पे जाके ज्ञापन देता है कि इस मामले की जांच बंद कर दीजिए, इससे नेमावर और हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है, वो लोग सब ठीक हैं, इसका साफ मतलब है कि विधायक और विजय ताम्रकर इस घटना में शामिल थे, पहली बात। दूसरी बात, जो पुलिस की कहानी है वो अपने आप में अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। पुलिस ये बोल रही है कि एक व्यक्ति आया उसको मारा, फिर दूसरे व्यक्ति को घर से बुलाया फिर उसको मारा, फिर तीसरे व्यक्ति को घर से बुलाया फिर उसको मारा। आप ये बताइए कि ये कोई आदतन अपराधी नहीं थे, इनके ये पहले ही अपराध है हत्या के, क्या संभव है कि ऐसे लोग एक हत्या करने के बाद इतने सामान्य तौर पर घर से गाड़ी में बिठा के दूसरे व्यक्ति को लाएंगे, फिर उसकी हत्या करेंगे, फिर गड्ढे में डालेंगे, फिर तीसरे को लाएंगे उसकी हत्या करेंगे गड्ढे में डालेंगे? वो साफ और नहीं, लेकिन राकेश जी जिस तरह से ये कहा जा रहा है, लेकिन राकेश जी जिस तरह से कहा जा रहा है, राकेश जी जिस तरह से, मेरा भी सुन लीजिए, राकेश जी मेरा भी सुन लीजिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो भी उसके आरोपी हैं, चाहे मुख्य आरोपी हो जिसको लेकर ही पूरा मामला है या फिर अन्य जो उसके सहयोगी रहे हैं, इसकी बाकायदा पहले से प्री प्लान इसको लेकर किया गया था, गड्ढे वगैरह जो उसके लिए पहले से खुदा के तैयार कर लिए गए थे, यानी पूरा एक प्री प्लान्ड वो था। जिस तरह से आपने कहा कि तमाम सारी चीज़ें उसको लेके कही गई, लेकिन पुलिस ने जब जैसे ही ये बात सामने आई तो लगातार पुलिस उनके सर्चिंग उनको लेकर कर रही थी, फिर उनको पकड़ लिया गया वहाँ पर। तो अब सवाल इस बात को लेकर, क्या कांग्रेस ने भी इस तरह की चीज़ पहले उठाई थी? देखिए निश्चित तौर पर कांग्रेस ने शुरू से इस तरह की डेढ़ महीने में कई बार वहां के कांग्रेसियों ने आवेदन थाने में जाके बोला, इनकी जांच की मांग करी। इसके बाद भी राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा था वहां के विधायक का और आरएसएस का जो प्रमुख है उसका, कि उसकी वजह से जांच डेढ़ माह तक प्रभावित हुई। दूसरी बात, आप जो बता रहे हैं कि पुलिस ने ये कहानी बताई है, वहां की आम जनता एक एक गली गली का व्यक्ति ये जानता है कि घटना इस तरीके से हुई है, उसके बाद भी उसकी जांच प्रॉपर नहीं हो रही है। दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आज 6 दिन बीत गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं सामने लाई गई है क्योंकि उसमें गेम रेप की पुष्टि हो रही है, डॉक्टर साइन करने को तैयार नहीं है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट छिपा दी गई है। चलिए दूसरी बार में आता हूँ राकेश, दूसरी बार में आता हूँ, तमाम सारी जो चीजें आप कह रहे हैं मैं शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आ जाता हूँ। शंकरलाल जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर कहूंगा कि काफी संवेदनशील ये मसला है, एक ही परिवार के 5 लोगों की जिस तरह से हत्या की गई है, कहीं ना कहीं बहुत दुखद ये पहलू है, लेकिन इस पर भी जिस तरह से राजनीति कहें, सियासत कहें या फिर राकेश जी जो कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? तो कहा जी, अत्यंत लोग मार्शक और अत्यंत दुखद घटना है और पूरा का पूरा 5 लोग एक साथ मर्डर, सच में एक गंभीर घटना है, अति गंभीर घटना है और इसलिए इसमें कोई राजनीति करने का प्रश्न नहीं है, ये अपराध है और अपराध में राजनीति करने का कोई सवाल नहीं था। अभी यादव जी ने बोल दिया कि विधायक घटना में शामिल है और उनको आरएसएस का बीबिया है, उसने बोल दिया आरएसएस के प्रमुख भी घटना में शामिल है। माने कतई कांग्रेस के दिमाग में ये नहीं है कि पुलिस का अपना काम होता है और मर्डर जैसे और इतने जघन्य मर्डर कांड में कि जिसमें 5-5 लोगों की हत्या हुई हो, मैं नहीं सोचता हूँ कि पुलिस के अधिकारी या लोग इतने संवेदनशील है और इतनी बड़ी घटना का सीधे डीजीपी संज्ञान लेता है और माने होम मिनिस्टर संज्ञान लेते हैं। और देखिए ये ब्लाइंड मर्डर था,
और इस ब्लाइंड मर्डर को भी वहाँ के पुलिस को धन्यवाद करना चाहिए कि उसने जमीन से खोद करके लाते निकाल ली और उनको अपराधियों को भी उन्होंने पकड़ लिया। अगर कमलनाथ जी को जाना था तो कमलनाथ जी उस दिन गए होते जब वो मरे थे, वैसे उस समय भी जरूरत नहीं थी, कमलनाथ जी डीजीपी से बात कर सकते थे, कमलनाथ होम सेक्रेटरी से बात कर सकते थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते थे, पर उन्हें कुछ करना नहीं है, या तो उन्हें ट्वीट करना है और या तो फिर उसके बाद उनको राजनीति करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी मांग या कोई भी डिमांड या कोई भी आंदोलन यदि कोई पक्ष करता है तो उसकी कुछ मांगे होती है। अब अपराधी गिरफ्तार है, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, अपराधी जेल में है और इस परिस्थिति में मामला न्यायालय को जाएगा। सरकार कह रही है, अभी आदरणीय विश्वास सारंग जी ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक में चलेगा मुकदमा ताकि इसका तुरंत जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो सके और अपराधियों को दंडित किया जा सके, पर इसके बावजूद भी कहीं कोई उनको कोई हमदर्दी नहीं है कि वो जो लोग मारे गए उनसे हमदर्दी होती तो डेढ़ महीने के भीतर कांग्रेस के लोग वहां पहुंचते, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचते, पर वो कोई हमदर्दी नहीं थी। अब उनको किसी न किसी तरह, अभी जो नरोत्तम जी ने कहा बड़ी स्पष्ट बात कह दी है कि ये गिद्ध की तरह कहीं कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो जिस तरह गिद्ध इस इंतजार में रहता है कि कोई मर जाए तो हम लाभ सोचे, जगन हत्या है और ये सोची। मैं बीच में नहीं बोला था यादव जी, मैं आऊंगा अब तमाम सारे सवाल मैं आपसे भी करूंगा। राकेश जी वन बाय बनाएंगे तो बेहतर रहेगा, जिस सिस्टम से हम जुड़े हैं। राकेश जी प्लीज, जिस सिस्टम, राकेश जी मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं भरपूर समय आपको भी दे रहा हूँ, लेकिन जिससे राकेश जी सुनिए मेरी बात सुनिए आप। राकेश जी मेरा ये कहना है, जिस सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, वन बाई वन बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। मैंने आपको भरपूर समय दिया है, शंकरलाल तिवारी साहब के बाद मैं फिर आपके पास में आऊंगा, लेकिन पहले शंकरलाल जी बात पूरी कर ले, फिर उसके बाद में खिलावन जी, फिर मैं आपके पास में आऊंगा, अपनी बातों की आप जी। जी मैं ये कह रहा था कि यदि ये राजनीतिक बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि गिद्ध भोज कर रहे हैं, ये लाखों पे राजनीति करना चाहते हैं और कांग्रेस का स्वभाव हो गया है। कोरोना के समय में इनका कहीं पता नहीं चल रहा था और डेढ़ महीने में पुलिस ने पूरी भारी मेहनत करके और उन हत्यारों को पकड़ करके जेल भेज दिया है। चलिए सर जी, दोबारा खिलावत चंद्राकर साहब हमारे साथ में नाम लेगा और विधायक को कहना कि वो भी शामिल है। मैं सोच रहा हूँ कि हत्या जैसे गंभीर मुकदमे खिलावन चंद्राकर साहब हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार। खिलावन जी, जिस तरह से पूरा ये मसला है और अब जो कुछ हो रहा है, क्या इसकी जरूरत है? क्योंकि जो आरोपी जो अपराधी है वो अब गिरफ्त में है, अगर वाकई जो तमाम सारी चीजें जिस तरह से कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, अगर करना था तो पहले कर लेते, लेकिन अब तो सारा प्रोसेस जो है कानूनी प्रोसेस में है, इसको इन चीजों को क्या क्या मानते हैं आप? देखिए राजू जी, दो महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहता हूँ। पहला ये कि इस पर लगातार सियासत होती रहेगी जी। मुझे लगता है जिस तरह से कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है और मुझे लगता है सरकार की जिस तरह से निष्क्रियता पहले सामने आई है, आज से लगभग 51-52 दिन पहले जब ये लापता होते हैं एक ही आदिवासी परिवार के 5 लोग, तो बहुत गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया जाता है। हमारे पत्रकार साथी घटना के गायब होने के 3 दिन बाद ही लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि एक ही परिवार के 5 लोग लापता हैं। समाचार पत्रों में लगातार छपती रही, वहां स्थानीय समाचार पत्रों में भले ही प्रदेश की बहुत सुर्खियां निकल पाई हो, लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय स्तर पर यदि पुलिस बहुत ज्यादा सक्रिय होती तो बहुत पहले इस मामले का पर्दाफाश किया जा सकता था। और
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें परिवार के परिजनों ने जब गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उस समय कुछ लोगों के नाम लिए गए थे, कुछ लोगों के नाम बताए गए थे कि इसमें ये लोग हो सकते हैं शामिल, और उसमें जो प्रमुख एक्यूज्ड है, प्रमुख आरोपी है, उसका भी नाम शामिल था। तो मुझे लगता है कि पुलिस ने किसी न किसी दबाव में आकर के मेन एक्यूज्ड को बचाने का प्रयास किया है, और जिस तरह से अभी राकेश सिंह जी बोल रहे थे, राकेश सिंह यादव जी बोल रहे थे कि दो लोगों का नाम लिया उसने, विधायक का वहां के और आरएसएस के वहां के स्थानीय बड़े नेता का, तो निश्चित रूप से ये सब संकेत मिले हैं। हम लोग लगातार पत्रकारिता में, आप भी पत्रकारिता में, मैं भी हूँ, इस तरह के संकेत वहां से मिल रहे थे, लेकिन हम लोग भी पास ज्यादा सक्रिय इसलिए नहीं थे कि वहां से कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा था जिससे ये स्पष्ट हो जाता था कि ये हत्या हो चुकी है। पहले तो प्रारंभ में ये लग रहा था कि इनका अपहरण हुआ है, कहीं रखा गया है, बाद में जब सुनिश्चित होने लगा और जब बहुत सारी बातें सामने आने लगी तो स्पष्ट लगने लगा कि हत्या हो चुकी है। एक महत्वपूर्ण बात मैं राकेश जी, राजेश जी आपसे बोलना चाहता हूँ, हमारा विज्ञान और फोरेंसिक साइंस इतना प्रगति कर चुका है कि ये बात, इस बात का पता लगाया जा सकता है कि उसकी हत्या किस दिन हुई थी। जी, अपहरण के 5 दिन बाद हुई थी, 10 दिन बाद हुई थी, अपहरण के दिन हुई थी, या जिस दिन घटना हुई उस दिन हुई थी, इस बात का फोरेंसिक साइंस तो हमारा विज्ञान पता लगा सकता है, लेकिन इस बात का अभी तक पता लगाया नहीं गया है। जी, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों ने मदद की, जी, जिसने गड्ढा खोदा वो आरोपी हो गया, जिसने स्कूटी को छुपाया लड़की के वो आरोपी हो गया, जिसने हत्या की वो आरोपी हो गया, लेकिन जिन लोगों ने, जिन नेताओं ने आरोपियों को बचाने का प्रयास किया उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से कल जैस का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लगभग 14-15 हजार आदिवासी वहां मौजूद रहे, उसमें गुंडवाना दंडन पात्री के लोग शामिल हुए, न सिर्फ जैस के डॉक्टर हीरालाल अलावा बल्कि वो मनमोहन सिंह बट्टी की पत्नी भी उसमें शामिल हुई, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन है। जांच की मांग जी, सीबीआई जांच की मांग भी उठाई जा रही है। जी, मुझे लगता है इस मामले में सीबीआई जांच होना चाहिए। जी, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। जी, अभी भाजपा ने जो थी प्रदेश मुख्यालय आदिवासियों और हरिजनों को साधने का, दलितों को साधने का बहुत बड़ा एक एजेंडा तय किया गया था, मुझे लगता है कि इस तरह से जो है दलितों को, आदिवासियों को प्रदेश में नहीं साझा जा। चलिए चलिए, मैं खड़ा भाई दोबारा आता हूँ। ठीक है, जो अहम बात आपने कही है, मैं जब शंकरलाल तिवारी साहब के पास में आऊँगा उनसे ये सवाल करूँगा, लेकिन राकेश जी से मेरा ये सवाल है, और कहीं ना कहीं शंकरलाल तिवारी साहब भी यही कह रहे थे, राकेश जी जिस तरह से पीसीसी चीफ कमलनाथ वहाँ पर पहुँच रहे हैं, बिल्कुल पहुँचना चाहिए, पीड़ितों से आज वो मुलाकात करेंगे, लेकिन ये भी सवाल है कि वो इसको लेकर, इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस जो चाहती है, पीसीसी चीफ कमलनाथ जो चाहते हैं उसको लेकर वो सीएम से भी उनकी मुलाकात हो सकती थी, डीजीपी से भी उनकी मुलाकात हो सकती थी। जी जी जी, बोलिए, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। जी बोलिए बोलिए। पीसीसी चीफ वहां पहुंच चुके हैं। जी, वहां पहुंच चुके हैं। जी, उस परिवार से मिल चुके हैं। जी, जो पीड़ित हैं या जो जो पीड़ित परिवार को प्रत्येक मृतक के हिसाब से 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की जा चुकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण उनके साथ अरुण यादव पहुंचे हैं, उनके साथ जीतू पटवारी जी पहुंचे हैं, और स्थानीय कार्यकर्ता बहुत बड़ी संख्या में वहां मौजूद रहे हैं। जी चलिए, काफी अहम अपडेट खलावन चंद्राकर साहब के तरफ से कि पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुलाकात उनसे हो चुकी है, अरुण यादव की भी और जीतू पटवारी की। मेरा सवाल अब इसी को लेकर है राकेश जी, कि पीड़ित परिवार से मुलाकात उनकी हो चुकी है, लेकिन क्या इससे पहले अगर सीएम से भी उनकी मुलाकात होती है, अगर किस तरह की क्या चाहती है कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर, तो ये जो सवाल उठ रहे हैं सियासत और राजनीति के, शायद वो नहीं होते कि नहीं अब इस हिसाब से कार्रवाई इसमें होना चाहिए।
आखिर ऐसा क्यों नहीं? देखिए बहुत साफ और स्पष्ट है कि जब उनका अपहरण हुआ जी, जब जांच चल रही थी, किसी को भी यह नहीं पता था कि उनकी हत्याएं की गई हैं या उनको उठा के गैंग रेप किया गया है या उसकी संभावना है। ये जब पता चला, जब पुलिस ने इस बात की तकदीर करी कि गड्ढा से वो लाशें निकाली गई, कांग्रेस भी कोई अंतर्यामी नहीं है, कोशिश कर रहे थे, इस बात की संभावना ज्यादा बताई जा रही थी वहां के विधायक द्वारा और ये विजय ताम्रकर द्वारा, थाने पे जब ज्ञापन दिया जा रहा है कि वो परिवार सुरक्षित है, उसका फोन इस्तेमाल हो रहा है, तो कांग्रेस जब ये नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ, जब तक किसी एजेंडे पे जाने से मतलब नहीं था, पहले जाते तो आप ये बोलते थे आप बहुत जल्दी करते हो तो परिवार सुरक्षित है, वो तो पारिवारिक झगड़ा है, तो इसलिए जब हमें पता चला, कांग्रेस को पता चला, तो कांग्रेस शुरू से इस मुद्दे पर जिस दिन से पता चला है बहुत संवेदनशील तरीके से जुड़ी हुई है। माननीय कमलनाथ जी आज जो वहां पहुंच के जो सहायता राशि दी है उसकी वजह सिर्फ राजनीति नहीं है, उसकी वजह नियत है। अगर ये नियत मुख्यमंत्री की होती तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की होती नियत नहीं है और कैसे सहायता हो सकती है, कैसे जातराम साहब संग्राम तिवारी साहब क्या कहेंगे जिस तरह से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर जो तत्परता दिखाई जाना थी जांच को लेकर, या जैसे ही ये बात सामने आई कि एक परिवार के पांच लोग लापता है, कहीं ना कहीं इसमें हीला हवाली हुई है। नहीं, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ कि कोई हीला हवाली हुई है। जिस दिन से ये रिपोर्ट अपहरण की या जो गुमशुदगी की लिखाई गई, उस दिन से ही पुलिस इस काम पर लगी हुई थी, और जैसा अभी हमारे यादव जी ने कहा कि कांग्रेस अंतर्यामी नहीं है, यह बात कब पर लागू होती है? अगर कांग्रेस अंतर्यामी नहीं थी तो पुलिस भी और बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं लोग, उनको ये मानना चाहिए कि वो लोग भी अंतर्यामी नहीं होते। अगर पुलिस 2 किलोमीटर के अंदर गड्ढा नहीं ढूंढ सकती है, उनका फोर्स नहीं है, तो पुलिस का काम क्या है बताइए? राकेश जी शंकरलाल तिवारी साहब को बोलने नहीं दीजिए, मैं आपकी कोई बात रह जाएगी। राकेश जी आपकी कोई बात रह जाएगी, मैं आपके पास, शंकरलाल जी बोलिए, शंकरलाल जी ही बोलेंगे, फिर मैं आपके पास। मैं राकेश जी उद्वेलित होते इसलिए कि झूठ के पैर नहीं होते। अब एक बात ये भी सुन लीजिए, राकेश जी ने कहा था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में भेजी जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे आपको बीमारी है बीच में टाटा करने की, आप वित्त भोज करना चाहते हो। आखिर मैं आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि 1.5 महीने तक कमल नहीं कहा गया, 20 तारीख को हुआ, कितने समय पहले हुआ, 1.5 महीने तक ये चाहते हैं आपके मुख्यमंत्री। आज राजनीतिक रोटी सेकने कमलनाथ वहां पहुंच गए जब मुलजिम गिरफ्तार हो गए, अभी 1.5 महीने की मौत हो रही है, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं आदिवासियों के, और आप उसको राजनीति का नाम दे रहे हैं। आपको शर्मिंदा होने की वजह बीजेपी को माफी मांगना चाहिए आदिवासियों से, हमसे गलती हुई, हम जांच नहीं कर पाए, मेरी पुलिस मुकदमी थी और हमारे नेता उसमें शामिल है, चलिए माफी चाहते हैं। वक्त की कमी है, हत्याकांड निश्चित तौर पर जिस तरह से 5 लोगों की एक ही परिवार के जघन हत्या की गई है, लेकिन जो सियासत है, जो राजनीति है, अब वो सिर चढ़कर बोल रही है, अपने अपने फायदे और नफा नुकसान है, क्योंकि नेमावर आदिवासी बेल्ट है, लेकिन सवाल तमाम तरह के हैं और राजनीति और सियासत भी। हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए शंकरलाल तिवारी साहब आपका, राकेश सिंह यादव जी आपका, और वरिष्ठ पत्रकार खिलाफ चंद्रकर साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर नेमावर पर सियासी रार बरकरार, पीसीसी चीफ कमलनाथ पीड़ितों से मिल चुके हैं, 5-5 कह रही है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ये कह चुके हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा है कि मामला फास्ट ट्रैक के जरिए चलाया जाएगा जिससे कि तत्काल पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हमारी चर्चा बस इतना ही, न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।